जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस पॉइंट की आर्मी अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे जेके रेलवे पुलिस एसपीओ के फिजिकल डेट के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि 2022 में आप लोगों के फॉर्म लगे थे, इसमें पूरा साल हो गया है, बट अभी तक आपके फिजिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही। आपको बता दें कि जहाँ ना ही यहाँ पर जीआरपी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन निकाला है कि जब भर्ती विड्रा हो गई है, जब भर्ती कैंसिल हो गई है, जहाँ इसके बदले कई नए बंदे लग गए हैं, जहाँ क्या मसला है, अभी तक बच्चों को कोई जानकारी नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाइनों में लगाया गया था काफ़ी। आपको पता है बरसात के मौसम में फॉर्म फिल हुए थे, फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी देर पहले की बात है जे, तो जहाँ पर लगातार लाइन में लगे थे इतनी धूप में, ऊपर से आईटीपीपी भी लगाई हुई थी उन्होंने, इतने धक्का मुक्की चली थी, इतने खर्चा कराया करके बच्चों ने टोकन लिए हैं, और टोकन लेने के बाद अभी तक कोई खबर नहीं है तमाम बच्चों को। आपको बता दें कि दोबारा से नई भर्ती भी नहीं देखने को मिल रही। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी पड़ी हुई है, कहीं एक बार गवर्नमेंट से अगर हर डिस्ट्रिक्ट में 100-100, 200-200 SPOs ही लगा दें तो फिर भी थोड़ी बेरोजगारी कम हो जाती है। बच्चे लगातार लगना चाहते हैं कुछ ना कुछ, बट गवर्नमेंट साबित हुई हुई है। बट आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर चांस बन रहे हैं कि SPOs वगैरह की हर डिस्ट्रिक्ट में भर्ती देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है लद्दाख में दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर SPOs की भर्ती हुई है पिछले महीने में। तो यहाँ पर आइडिया लगाया जा रहा है, पिछली बार भी जब भर्ती आई थी SPOs वगैरह की हुई थी तो लद्दाख वाली साइड से भी हुई थी। आपको बता दें कि लद्दाख ADG ने जहाँ पर अनाउंस किया था कि जम्मू उनकी पुलिस के मैन पावर की कमी होने की वजह से उन्होंने SPOs वगैरह लगाए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस वाले भी SPOs वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि मैन पावर की तो कमी है, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के लिए बड़ा तगड़ा मैन पावर चाहिए होता है। तो उसके चक्कर में आपको बता दें कि कांस्टेबल की भर्ती तो आएगी वो अलग बात है, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत छोटी मोटी भर्ती देखने को मिल सकती है। बट ये रेलवे वाला जो मसला है, कोई किसी स्टूडेंट्स ने जम्मू के हैं, आसपास के रहने वाले विक्रम चौक वाली साइड्स के, क्या आप लोगों ने भी कभी GRP वाली साइड्स उधर रेलवे स्टेशन पे पूछा है कभी कि भी क्या मसला है, जहाँ कोई बंदे अंदर से लग गए, जहाँ क्या हो गया, क्योंकि 99 पोस्ट थी कोई ऐसा नहीं। तो आपको बता दें कि इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हमारे कुछ एक दो दोस्त हैं जो ऑलरेडी GRP में हैं, हमने कन्फर्म करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, शायद नवंबर महीने में फिजिकल हो जाए। अगर फिजिकल हो जाता है तो अच्छी बात है। आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से नोटिफिकेशन आया था, तमाम जानकारी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आने वाले समय की भर्तियों की जानकारी आपको बता दें तो JKSSB भी लगातार जहाँ पर अपने एग्ज़ाम लेने में रेडी हो गया है। 3400 और पोस्टें दिखाई गई हैं, 3400 पोस्टें हैं। अब वो पोस्टें कौन सी हैं वो तो नोटिफिकेशन आने पर पता लगेगा। तो उधर बात करें बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज सेंटर जॉब की बात करें तो सेंटर जॉब के लिए MES हो गया, IRB हो गया, एयरफोर्स के कुछ फॉर्म लग रहे हैं, काफ़ी बच्चे उसके बारे में पूछ रहे हैं, ऑफलाइन फिल हो रहे हैं वो, तो अभी कोई नई भर्ती नहीं आई, टोकन वाली भर्ती का वेट कर रहे हैं। SSC GD से बच्चे रह गए हैं, मेरिट बहुत ज़्यादा गया, तो ये काफ़ी परेशानी जो है कश्मीर के यूथ के लिए है। बट आप लोगों को बता दें कि आने वाले समय में आप लोगों को कुछ ना कुछ रिलैक्स देखने को मिलेगा। किस्मत जो है ना वो आपकी कभी भी बदल सकती है, क्योंकि अगर ओपन रैली होती है तो लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी हो सकती है इस बार, क्योंकि हर बार वैकेंसी 1200-1300-1400 होती है। बट अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होने की वजह से और उसके साथ साथ सेंटर में पैरामिलिट्री फोर्सेस की वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा वैकेंसी मिल सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी CRP का ओपन रैली होने वाला है एक, और उसके मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में भी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस की 6-in-1 रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। वो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।